आईसीसी की ओर से पहली बार आयोजित कराई जा रही विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच साउथैम्पटन के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है, जहां पर कीवी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के लिए सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने शानदार पारी का आगाज किया और 62 रनों की पार्टनरशिप करी, लेकिन काइल जेमिसन ने रोहित शर्मा को आउट कर साझेदारी को तोड़ने का काम किया। वहीं पर नील वैगनर ने शुभमन गिल और ट्रेंट बोल्ट ने चेतेश्वर पुजारा का विकेट लेकर भारत को बैकफुट पर धकेलने का काम किया। लेकिन हम आपको बता दें कि पहले दिन के खेल को देखते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने जमकर फटकार लगाई है। जी हां, न्यूजीलैंड को मिल रही है ऑस्ट्रेलिया से फटकार, वो भी खेल के पहले दिन ही। क्या है ऐसी वजह और आखिर क्या न्यूजीलैंड को फटकार मिल रही है, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला साउथैम्पटन में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की कप्तान केन विलियमसन्स ने गेंदबाजी तो करी, लेकिन हम आपको बता दें 3 विकेट जल्दी गंवाने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने भारतीय पारी को संभाल लिया। न्यूजीलैंड की इस मैच में 4 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाजों के साथ उतरी है। बता दें कि न्यूजीलैंड अपने प्लेइंग 11 में ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी, नील वैगनर और काइल जेमिसन को शामिल किया। वहीं कॉलिन डी ग्रहम ने 5वें पेसर के तौर पर जगह दी है। वहीं भारत ने ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी के रूप में 3 पेसर उतारे हैं। ऐसा माना जा रहा था कि कोहली के मौसम को मिजाज को देखते अपने प्लेइंग 11 बदलाव कर सकते हैं, लेकिन विराट कोहली ने ऐसा नहीं किया। जो पहले घोषित थी उसी प्लेइंग 11 के साथ जाने का फैसला किया और टीम ने एक भी स्पिन गेंदबाजों को टीम में नहीं रखा। कीवी टीम का यह फैसला ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज शेन वॉन को तो बिल्कुल भी रास नहीं आया। उन्होंने इसको लेकर वह न्यूजीलैंड टीम से नाखुश दिखाई दी और न्यूजीलैंड को फटकार लगाई है और कहा है कि कैसे भारत ये मुकाबला बड़े आसानी से जीत सकता है। शेन वॉन ने ट्वीट करते हुए लिखा, काफी निराश हूं कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में एक भी स्पिनर को नहीं खिला रहा है। इस विकेट पर गेंद काफी स्पिन करने वाली है और विकेट का बड़ी फुटमार्क अभी से डेवलप हो रही है। याद रखिए, अगर ऐसा दिख रहा है तो गेंद यहाँ स्पिन जरूर करेगी। अगर भारत 275 से 300 के बीच स्कोर बनाने में सफल रहता है तो समझिए मैच खत्म हो गया। अगर मौसम बीच में नहीं आता है तो भारत WTC फाइनल जरूर जीत जाएगा, क्योंकि भारत के पास है रविंद्र जडेजा और रविंद्र चंद्र अश्विन के रूप में प्रमुख 2 स्पिन गेंदबाजों के साथ उतरने वाली है। तो खैर, प्लेइंग 11 को लेकर काफी फटकार मिल रही है न्यूजीलैंड को और एक भी स्पिनर नहीं खिलाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। खैर, न्यूजीलैंड है जहाँ पेसर्स काफी अच्छे से खेलते भी है और बॉलिंग डालते भी है। खैर, अब आगे वाला खेल ही बताएगा न्यूजीलैंड का ये फैसला किस तरह से साबित होता है।